नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। तुलसी का उपयोग आयुर्वेदा में बहुत सारे सालों से एक मेडिसिन के तौर पर होता है, क्योंकि तुलसी में हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स इत्यादि गुणधर्म, इत्यादि प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती है। देखिए, जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। अगर कोई चीज़ हम बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तब हमें उसके नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। यही चीज़ तुलसी के साथ भी है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको तुलसी के ज़्यादा सेवन से या फिर बिना सोचे समझे सेवन से या फिर जिस कंडीशन में हमें तुलसी का सेवन नहीं करना है, अगर उस कंडीशन में हम तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो हमें कुछ नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तुलसी के पत्तों का सेवन हमें कौन से समय पर करना है, कौन सा समय हमारे लिए उचित है। सुबह खाली पेट अगर हम तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, लेकिन अगर तुलसी के पत्तों का सेवन हम खाना खाने के बाद करते हैं तो यह हमारे लिए लाभदायी नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन, जो खाना पचने का जो समय होता है, जो पचने की जो अवधि होती है, उसमें यह अगर हम तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो यह अवधि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पेट से संबंधित समस्याएँ या फिर पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तुलसी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए ही तुलसी का सेवन सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। देखिए, गर्मियों के मौसम में भी कई लोग तुलसी का सेवन करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है, उनको अपनी तासीर के बारे में पता होता है, तुलसी के तासीर के बारे में पता होता है, इसलिए वह लोग गर्मी के मौसम में भी तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि गर्मी के मौसम में, समर में, हमें कभी भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि एक तो तुलसी की तासीर गर्म होती है, ऊपर से अगर हम समर में तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन का सामना करना पड़े, इसलिए कभी भी तुलसी का सेवन हमें गर्मियों के मौसम में नहीं करना है। और एक बात है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, तो जिस किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के संबंधित कोई समस्या है और ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसके रिलेटेड वह मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हो तो होता यह है कि आपका खून पतला हो जाता है और जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है उसके जो भी वैल्यूज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए कभी भी अगर ब्लड प्रेशर संबंधित आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई सर्जरी अभी अभी हुई है या फिर अगर होने वाली है, तो दोनों कंडीशन में, यानी कि सर्जरी से पहले या फिर सर्जरी के बाद में भी आपको थोड़े समय तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर सर्जरी से पहले या फिर सर्जरी के बाद में हम तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है, जो ब्लड का क्लॉट होने का जो टाइम होता है, उसमें बदलाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के बाद में ज़्यादा खून भी बह सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से संबंधित दवाइयाँ भी चल रही है, तभी भी ऐसी कंडीशन में कभी भी तुलसी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि होगा ये कि एक तरफ से तुलसी के सेवन से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और दूसरी तरफ से जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। अगर बाई चांस हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 से कम हो गया तो हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और साथ ही साथ वह डायबिटीज़ कम करने की यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी तुलसी का सेवन हमें नहीं करना है। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय में तुलसी के पत्ते डालकर पीने की आदत होती है, तो इस तरह से अगर हम तुलसी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमें एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी हो सकती है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान उन्हें कभी भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर वह महिला गर्भवती महिला गर्भावस्था के दरमियान, खास करके लास्ट 2 ट्राइमेस्टर के दौरान, अगर वह पर्टिकुलर महिला अगर तुलसी के पत्तों का सेवन करती है तो प्री मेच्योर डिलीवरी होने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें कभी भी तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है, और हमने जाना कि अगर हम ज़्यादा तुलसी का सेवन करते हैं, बिना सोचे समझे तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।